Hello students, how are you? ठीक हो सब लोग? ओके, फर्स्ट चैप्टर हमारा ओवर हो गया है, यातायात वाला। ठीक है ना, रोज हम लोग इस पे गूगल मीट पे बात करते हैं ना, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा ओवर हो गया है। उसमें से बहुत सारा हम लोगों ने जो है वो फोर्थ में पढ़ा था। ठीक है ना, तो अभी हम लोग अपना जो है वो सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे, गिनती। अब जैसे लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को गिनती 1 से 20 तक पढ़ाई थी, ठीक है ना, शब्दों में और अंकों में, राइटिंग वर्ड्स एंड राइटिंग फिगर्स दोनों में बताई थी। अब हमको फिफ्थ में 21 से 50 तक पढ़ना है और बिल्कुल बाय हार्ट करना है। ठीक है ना, कि उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं और अंकों में कैसे लिखते हैं, फिगर्स में और शब्दों में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है वर्कबुक में है तो उसको आपको उस हिसाब से यहाँ पे वर्कबुक में देखो कैसे करेंगे, कि यहाँ पर जैसे अंकों में एक साइड में लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट वाले ब्लैंक में अंक में लिखना है एक, तो एक, तो एक आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, देख देख के ये आपको पूरा करना है। मैं वर्कबुक में से बता देती हूँ, तो वर्कबुक और इसमें सेम है हमारा। तो देखो वर्कबुक देखो पेज नंबर 16 चैप्टर 2, यहाँ देखो ये एक लिखा है तो एक लिखना है, इसके बाद में दो है तो 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सब हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये गिनती जो है वो 50 तक है, तो 50 तक गिनती हमको कंप्लीट करना है। इसी पीडीएफ आपके पास आएगी तो पीडीएफ में से देख के आपको कंप्लीट करना है, वैसा का वैसे जो है लर्न करना है। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे शब्द जो है वो तुम्हारे गुजराती से बहुत सारे अलग अलग है, तो थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जैसे देखो 20 तक तो हमने वैसे ही पढ़ी थी, 19 और 20, है ना। अब 2 और 1 लिखते हैं उसको 21, फिर 22 23 24, 25 जो होगा वो 25, फिर है ना 26 27 28 29, और फिर 3 और 0 होगा तो क्या होगा 30। ठीक है, फिर 3 और 1 होगा तो 31, फिर 32 33 34, है ना, बाद में 35, 3 और 6 होगा तो 36, 37 38 39, और 40 होगा तो 40। ठीक है ना, 40 जो होता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, 40। फिर 41 होगा तो 41 42 43, है ना 44 45, 4 और 6 होगा तो 46 47 48 49, और 5 और 0 होगा तो क्या लिखेंगे 50, है ना। तो घर में आपको ये लिख के लर्न करना है, 10 10 लर्न करना, जैसे 21 से लेके 30 तक, है ना, ऐसे पहले शब्दों में लर्न करना, फिर उसके बाद 31 से लेके पहले सारे अंकों में कर लेना, उसके बाद फिर शब्दों में करना है। तो ये पूरा आपको लर्न जब होगा तब ये एक्सरसाइज मैं यहाँ पे दे रही हूँ वो उसके हिसाब से कर पाओगे। जैसे यहाँ पे 31 लिखा है तो 31 किसको बोलते हैं, 31, तो आपको यहाँ से देख के अभी फिलहाल में लिखना है, लेकिन जब लर्न हो जाएगा तो अपने आप लिखना आना चाहिए। ठीक है, 48 39, इस तरह से ये पूरा करना है। तो ये आपको फिगर्स में लिखना है और ये वाले जो है वो वर्ड्स में लिखना है ना, शब्दों में लिखना है। यहाँ पे अंकों में लिखा हुआ है 21, तो आपको यहाँ पे अंकों में 21 लिखना है। ओके, अब यहाँ पे जो है 4 नंबर पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है ना, इस तरफ आपके अंक लिखे हैं, इधर शब्द शब्दों में लिखा है, इधर अंकों में लिखा है, तो दोनों को मैच करना है इधर, और ये दोनों ऐसे ही है, दो मैच वाले हैं तो दोनों ऐसे ही करना है। ठीक है, नीचे वाला है आपको 1 से 50 तक, अब ये टोटल आपकी 1 से 50 तक हो गई गिनती, तो इसमें नंबर दिए हुए हैं, देखो 1 से लेके 50 तक नंबर दिए हैं, तो आपको नंबर जो है यहाँ पर जोड़ देना है, तो यहाँ पे टोटल्स बनेगा। ठीक है ना, ये वर्कबुक में देखो नेक्स्ट पेज 21 से लेके 50 तक की गिनती, 21 से यहाँ से शुरू करेंगे और 50 तक आपको ऐसे जोड़ते जोड़ते जाना है, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, माउस। ठीक है, ये हो गया, फिर ये गिनती क्रम में बोलना है और खाली जगह में लिखना है। देखो आधी आधी गिनती लिखी हुई है, एक लिखा है तो 2 नहीं है तो 2 नीचे आएगा, फिर 3 4 5, ये आपको इस तरह से पूरा जो है 50 तक की गिनती कंप्लीट करना है। आ गया समझ में, तो ये आपको ये आ जाएगा हमको, इसलिए जो है ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ है, और एक छोटा सा गेम है वो घर पे करना। ठीक है, अब इसकी जो है आपको ये सब मैं पीडीएफ भेजने वाली, ये तो आपको कर लोगे अपने आप, है ना, ये सब तीनों कर लोगे, तो खाली मैं इतना और ये इतना ही आपको वर्कबुक में पीडीएफ भेजने वाली हूँ, तो वो सब CW में लिखना है ना, और लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू।